खबरल एरिया का एक इंट्रोडक्शन अगर देना चाहें फॉर दोज जिनको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, तो खबरल एरिया 2002 में एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू हुआ था. जब 2002 में शुरू हुआ था एक्चुअली उस टाइम ये मंथली था, एंड लास्ट 10-12 ईयर्स में इट्स बिकम अ वीकली. सो द प्रेमाइस इज दैट इट इज़ अ रूरल न्यूज़पेपर, ग्रामीण अखबार है जिसमें ग्रामीण खबरें होती हैं एंड पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से निकाला जाता है. यूपी एंड बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट का एडिशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एडिशन से बहुत अलग होता है. द न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट. तो दो अगल बगल के ज़िले होंगे, दो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, पर दोनों की लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में अखबार निकलता है वो अलग होंगी. इसको अदरवाइज इज़ व्हाट पीपल से डायलैक्ट्स, बट वी स्टिल लीव दैट द ज्यूरी शुड स्टिल बी आउट ऑन दैट. तो हम उसको अभी भी भाषा ही बोलेंगे. तो हर एडिशन की भाषा अलग है, हर एडिशन की टीम अलग होती है, और हर टीम में ग्रामीण महिलाएं उसी कॉन्टेक्स्ट से, देयर विल बी रूरल वीमेन हु आर मोस्टली 80% ऑफ ईच टीम इज वीमेन फ्रॉम दलित कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज और मुस्लिम वीमेन. सो दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट एसेंशियली इज. नाउ व्हाई वी हैपन टू कम हियर इज बिकॉज खबर लहरिया जब शुरू भी हुआ था तो उसके पीछे की ये सोच थी कि हम ऐसे क्षेत्र में इस अखबार को शुरू कर रहे हैं जहाँ पर और कोई अखबार नहीं है. हमारा अखबार उन समुदायों तक, उन कम्युनिटीज़ तक पहुंच रहा है जिनके पास मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स नहीं पहुंचते, और जिनके मुद्दे, जो उनकी आवाज़ है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे कवर नहीं करता है. तो 2002 से 2014 में ज़ाहिर है बहुत बदलाव आया है. तो अब जो रूरल जो अखबार मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी कुछ बहुत रूरल इश्यूज़ को कवरेज मिलती है, कुछ छोटे गांव के नाम आ जाते हैं. पर इस समय भी जिसको हमने जो अपने अनुभव को थोड़ा और ठोस बनाने के लिए, समझने के लिए कुछ सर्वे, कुछ स्टडी किया था, तो जिसे हम अपने लिए बोलते हैं मीडिया डार्क एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जो मीडिया में भी नहीं नज़र आते और जहाँ तक मीडिया की पहुँच भी नहीं है, उन एरियाज़ में जो एक इन्फॉर्मेशन गैप था, उनको उन गैप्स को किस एक हद तक भरने के लिए खबर लहरिया की शुरुआत की गई थी. पिछले साल खबर लहरिया की वेबसाइट लॉन्च हुई, एंड एज यू कैन सी इट टुक 10 ऑलमोस्ट 12 ईयर्स टू गेट टू अ पॉइंट जब आप अपना कंटेंट ऑनलाइन भी डालने की स्थिति में थे. राइट नाउ खबर लहरिया के कुल जो एडिशंस हैं, तो उसमें 6 एडिशंस उत्तर प्रदेश में 6 जिलों से निकल रहे हैं, और एक एडिशन नॉर्थ बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से निकलता है. लक्ष्मी उस एडिशन की एडिटर थी और अब इस समय लखनऊ में बेस्ड हैं, तो एक स्टेट लेवल उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस बनाने के लिए, तो कुछ जो एक्सपीरियंसेस हैं, आई थिंक लक्ष्मी वुड बी द बेस्ट पर्सन टू शेयर देम ऑल्सो. एसेंशियली जो हम बोलना चाहते हैं खबर लहरिया में एक्सपीरियंस के थ्रू, कि 2002 में जब खबर लहरिया को शुरू किया और जब सोचा गया कि ये पहला अखबार, एंड इनफैक्ट इट इज़ स्टिल दी ओनली न्यूज़पेपर दैट इज़ ब्रॉट आउट एंटायरली बाय वुमेन एंड रूरल वुमेन एट दैट, तो उस टाइम एक पब्लिक स्फीयर की समझ को बनाकर उसको अप्रोप्रिएट करने का एक सोच ये थी कि जर्नलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन अ फील्ड विच इज़ कंसिडर्ड, एंड इवन टू सम एक्सटेंट टुडे इट्स अ मैनज फोटे. सो इसको कहीं इस समय भी, और ख़ासकर ग्रामीण भारत में आज भी 2014 में भी पत्रकारिता को पुरुषों का वर्चस्व, एक पुरुष ही उसमें दिखाई देते हैं, और माना भी जाता है कि ये किस तरीके का पेशा है जिसमें आप बाहर जा रहे हैं, आप 10 लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों से जाकर सवाल कर रहे हैं. तो इसको, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट वुमेन एंड स्पेशली रूरल वुमेन टू बी डूइंग. तो इस सोच को चैलेंज करने के की समझ से 2002 में इस अखबार को शुरू किया गया. एंड आई थिंक 2014 में अगर हम अपने वेबसाइट के ज़रिए या जो कंटेंट पुट आउट भी कर रहे हैं, तो अगेन इट्स थिंकिंग ऑफ द इंटरनेट एज अ पब्लिक स्फीयर विच नाउ नीड्स टू बी अप्रोप्रिएटेड बाय वुमेन, एंड देन व्हाट आर द चैलेंजेस देयर एंड व्हाट आर द नेगोशिएशंस एंड फिगरिंग आउट द वे एज वी गो थ्रू इट. लक्ष्मी भी करना चाहेंगे, हम थोड़ा सा दिखाना चाहते थे कि खबर लहरिया का जो न्यूज़ वेबसाइट है किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, और उसी के थ्रू थोड़ा खबर लहरिया के काम के बारे में भी. तो आई थिंक लक्ष्मी,
पूर्वी, जैसा कि पूर्वी ने बताया, मैं पिछले 4 सालों से सीतामढ़ी एडिशन में बतौर एडिटर थी और अभी हाल ही में लखनऊ में आई हूँ। अभी हमारा खबर लहरिया जो पहले पेपर था, जो न्यूज़ पेपर निकल रहा था, उनको जो 1.5 सालों में हमने अपडेट करने की कोशिश की है वेबसाइट पे, मैं उसको थोड़ा दिखाना चाहूँगी। अभी हम अपने गांव क्षेत्र की जो खबरें लाते हैं, किस तरह की खबरें होती है उनमें, वो एक तो हम इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गांव स्तर की जो मुद्दे मुख्य अखबार में नहीं आ पाते हैं, जैसे इंदिरा आवास की खबरें हो गई, राशन की खबरें हो गई, पंचायती राज की खबरें हो गई, मतलब बहुत सी ऐसी छोटी समस्याएँ होती है जो मेन स्ट्रीम की मीडिया मानती कि ऐसा अगर गाँव है तो ये समस्याएँ तो होनी ही है। और दूसरी एक चीज़ ये होती है जो प्रशासन स्तर की जानकारी होती है, गांव में पहुंचने का माध्यम उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मुख्य धारा की अखबार होती है वो उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है, तो एक ये भी होता है कि वो जानकारियां उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है। तो एक माध्यम है वो खबर लहरिया बनाने की कोशिश की है उन्होंने, कि जो अगर मान लीजिए कि इंदिरा आवास की कोई समस्या हुई तो उनमें समस्या क्या है, ये जानकारी अगर अधिकारी स्तर पर नहीं पहुंची तो वो भी उन पर नहीं काम कर पाएंगे ना, उनको क्या पता कि गांव में क्या समस्याएं उठ रही है। तो हम जब उनसे बात करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि वहां पे बेसिकली समस्याएं क्या है और उनका क्या जवाब होता है, वो हम गांव स्तर तक फिर उनके पास वापस पहुँचाते हैं। अभी जो पहली खबर है हमारी, ये तो अभी यहाँ पर एक फैज़ाबाद की खबर है जिसमें सरकारी ज़मीन को लेकर के बवाल हुआ था, ये एक सामुदायिक मामला भी अगर हम इसको कहें तो बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा। एक तो ये है कि ये सरकारी ज़मीन पे किसी ने दीवार बनाने की कोशिश की थी, और ये खबर तो हालांकि बहुत सारी मीडिया में आई थी, लेकिन एक चीज़ इसमें हमने ये देखा था कि ये सिर्फ एक पक्ष की बात इसमें की गई थी, जो कि प्रधान ने है वो दीवार गिराई और इसी को लेकर के पूरा बवाल, मैंने कई अखबारों में इसको पढ़ा भी था, और जब मैं वहाँ पे पहुँच करके इस खबर को कवर की थी तो ये हुआ था कि उनकी भी समस्याएँ थी, जो कि दीवार जिनका गिरा था वहाँ पर गाँव के लोगों ने उनके घर की बहुत सारी चीज़ें तोड़ी थी, उनकी क्या समस्याएँ हैं वो तो लोगों तक नहीं पहुँच पाई ना। एक अखबार के माध्यम से हम एक धारणा भी बनाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। आई थिंक इवन विदाउट द वेबसाइट हम थोड़ा सा जैसे होम पेज पे भी देख सकते हैं कि एक तो ये चीज़ है कि आप अखबार में किस तरीके के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो शिक्षा पर, जन स्वास्थ्य पर, इलेक्शंस जब होते हैं उस टाइम पर, इन सब मुद्दों पर खबर लहरिया ने रिपोर्टिंग की है। मैं थोड़ा सा वेबसाइट से इस एक्सपीरियंस को जोड़ना चाहती हूँ कि एक था जो गैप हमने बात करी पहले भी कि प्रिंटेड न्यूज़पेपर के ज़रिए उस गैप को कवर किया जाने की कोशिश की जा रही थी। ऑनलाइन आने से कुछ चीज़ें खबर लहरिया की भी एक्सपीरियंस में बदली हैं, जिनमें से सबसे पहले आई थिंक एक एग्जांपल तो ये था कि इलेक्शंस के दौरान एक गूगल ग्रुप्स पर एक पोर्टल था जहाँ पर काफ़ी सारे ओपन इलेक्शंस नाम से एक ग्रुप थी, जिसमें फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री अलग अलग स्टेट से वहाँ की इलेक्शंस के दौरान किस स्टेट में किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस कैंडिडेट ने क्या बोला है, क्या चल रहा है, वेरियस रिपोर्टर्स वेरियस जर्नलिस्ट्स जो इस मुद्दे पर काम कर रहे थे वो अपने आर्टिकल्स या पुराने आर्टिकल्स, इट वाज अ वे ऑफ कीपिंग अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स अलाइव कि आप अलग अलग लोगों से और अलग अलग एरिया से सारी इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ एक जगह इकट्ठा हो रही है। तो क्योंकि खबर लहरिया ने जब ऑनलाइन स्पेस पर अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करी है उसके बाद जो हम
इलेक्शन से रिलेटेड कवरेज कर रहे थे उसको हम उस पोर्टल पर दर्शा पा रहे थे, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर खबर लहरिया काम कर रहे हैं लाइक चित्रकूट, बांदा, महोबा जो बुंदेलखंड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश में आते हैं, एंड सीतामढ़ी एंड शिवहर जो नॉर्थ बिहार के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं. एंड इवन एज आई एम सेइंग दैम आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर कितने लोगों ने इनमें सब डिस्ट्रिक्ट्स के नाम सुने विदाउट मेकिंग एनी अजम्पशंस. बट इट्स जस्ट दैट दीज आर सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें विकास सबसे कम है, जिनके डिवेलपमेंट इंडिसीज को देखा जाए तो वो सबसे कम है. एंड इफ यू हैवंट हर्ड द नेम ऑफ एनी वन ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, इट्स मोर आई थिंक इट स्पीक्स मोर अबाउट कि इन डिस्ट्रिक्ट इन एरियाज के बारे में कितना मेन स्ट्रीम में बात की जा रही है. सो बिकॉज दीज डेज इवन विद द इंटरनेट पीपल रीड अ लॉट, आप बहुत सी चीज़ों पर क्लिक करते हैं, आपको बहुत सारी खबरें मिलती हैं, लेकिन अगर आप कुछ ज़िलों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं सो इट स्पीक्स समथिंग अबाउट वॉट इज़ बीइंग सेड अबाउट देम. सो इन डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा इलेक्शंस के टाइम जो रिपोर्टिंग हुई, यहाँ पे कौन कैंडिडेट्स थे, यहाँ पे क्या पॉलिटिकल वेव थी, उन कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़, ये सब खबर लहरिया ने जब कवर किए थे तो उनको ऑनलाइन डालकर और इस एक गूगल ग्रुप के जरिए, एक पार्टनरशिप के जरिए वी वर एबल टू पुट सम कॉन्टेंट फ्रॉम दीज डिस्ट्रिक्ट आउट देयर. The other thing also that has happened is website के through, कि जैसे लक्ष्मी बता रहे थे तो हमने कुछ हमारे partnerships भी हैं. I was hoping if आदितेश्वर from ग्रामवाणी was here, so recently खबर लहरिया और ग्रामवाणी ने एक partnership करी है for the content which is generated in Bihar, and जहाँ पर जो ग्रामवाणी का मोबाइल पोर्टल है और जो मोबाइल पर आप कॉल करके ग्रामीण ऑडियंसेस खबरें सुन सकते हैं, तो उस पर आप खबर लहरिया का भी एक चैनल है जिसपे खबरें अवेलेबल हैं. सिमिलरली इस वेबसाइट को भी जब बनाया गया था तो इसमें काफ़ी ओनरशिप जो पत्रकार खबर लहरिया में काम करते हैं उनका है. इन मैनी वेज दिस वेबसाइट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट वॉज़ वेरी स्पेशल वेन इट वॉज़ लॉन्च्ड, नॉट ओनली फॉर अस बट इवन अदरवाइज. सबसे पहले ये कंटेंट जो है वो पूरी तरह से ग्रामीण महिलाओं द्वारा जनरेट किया जाता है. ये कंटेंट वो है जो महिलाएं अपनी समझ से ग्रामीण संदर्भ, रूरल कॉन्टेक्स्ट से आने वाली महिलाओं के शब्द हैं, उन कम्युनिटीज़ और उन समुदायों के मुद्दे हैं जिनको शायद हर बार एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो अपनी मुद्दे वॉइस नहीं कर सकते हैं, उनसे कितने लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वेदर इट इज़ टू डू विद डेवलपमेंट एंड वेदर इट इज़ ऑल्सो द विजिबिलिटी ऑफ वेमेन. तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमने भी देखा है अपने फील्ड में या कभी किसी गाँव में कोई बड़ी घटना होती है और कोई पत्रकार मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर से वहाँ जाते हैं, तो यूजली आपको जो पहले चार लोग वहाँ घुसते ही गाँव में दिखे आप उनसे बात करेंगे एंड आपको खबर मिल गई है. तो अक्सर जब आप जाते हैं किसी छोटे शहर में या किसी गांव में तो वो पहले चार लोग जो आपको घुसते ही मिलेंगे किसी पब्लिक स्पेस में, किसी सार्वजनिक स्थल पर, वो पुरुष ही होंगे क्योंकि महिलाएं अक्सर घर में होती हैं. एंड अगर आप मुख्य धारा के कोई पत्रकार हैं और अगर आप पुरुष हैं तो जो गांव की महिलाएं हैं अगर वो घर में बैठी हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास कितना एक्सेस होगा, ये भी एक सवाल है. सो फर्स्ट इट इज़ द विल ऑफ द मेल जर्नलिस्ट, यूजुअली अ मेल जर्नलिस्ट, कि आप कितना चाहते हो कि आप अलग अलग लोगों से बात करो. विमेन्स वॉइसेस जस्ट बाय द will of that person, of the journalist, one group of women are not spoken to because the journalist doesn't feel it's important. दूसरा आपका यहाँ इस स्तर पर हो गया कि आपका access कितना है, तो अगर थोड़ी जहमत उठानी पड़ती है, थोड़ा extra काम करना है, तो ठीक है हमारी चार लोग से बात हो गई, उनसे कौन बात करेगा. तीसरा इस मुद्दे को भी समझना कि किस तरीके से महिलाओं को आज भी गाँव में उतना बात करने के लिए एंडोर्स नहीं किया जाता है, महिला को क्या ज़रूरत है, या फिर इस तरीके से भी हमने बहुत बार देखा है जब गाँव में बोल दिया जाता है कि अरे आप उनसे क्यों बात करिए, उनको कुछ नहीं पता है. तो ये कहने वाले अक्सर पुरुष होते हैं, ये भी एक मानसिकता है जिसको बढ़ावा दिया गया है. तो टू बी एबल टू फिश आउट दीज वॉइसेस, महिलाओं की आवाज़ें, दलितों की आवाज़ें, क्योंकि ये जो महिला पत्रकार हैं खबर लहरिया में ये खुद भी उस संदर्भ से, उस कॉन्टेक्स्ट से हैं, तो उनके द्वारा जेनरेट किया गया कंटेंट है जिसे ऑनलाइन डाला गया है. इफ़ यू विल सी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कंटेंट
छांटा गया है, ऊपर आप लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई है, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेजेस में खबर लहरिया है, तो भोजपुरी इस फॉर द बनारस एडिशन, बजिका बिहार वाले एडिशन के लिए है, बुंदेली में चित्रकूट बांदा महोबा तीनों एडिशंस आ जाते हैं, हालांकि तीनों की बुंदेली भी अलग अलग है, एंड अवधि इज़ द फैज़ाबाद एडिशन. सो यू कैन सॉर्ट आउट द कॉन्टेंट, आप लैंग्वेज के थ्रू कॉन्टेंट को इट्स क्लासिफाइड दैट वे. प्लस इफ़ यू गो इन टू एडिशन, तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एडिशन बटा हुआ है, तो आप वहाँ से भी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं. अनदर वन कैटेगरी इज़ इंग्लिश. तो ये हमने इसीलिए भी किया था क्योंकि जब जो कंटेंट इस वेबसाइट पर जाता है वो लोकल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में महिला पत्रकारों ने लिखा है उसी लैंग्वेज उन्हीं शब्दों में जाता है जो प्रिंट कॉपी में गया है. सो अनदर थिंग विच मेक्स दिस वेबसाइट अ बिट अपार्ट इज टू गिव अ सर्टन काइंड ऑफ लैंग्वेज टू सर्टन लैंग्वेजेस. कहीं ना कहीं जो भाषा है उसको भूल गए हैं. अभी भी जो पिछले सत्र में बात हो रही थी इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन, एंड इज़ द इंटरनेट ग्लोबल, वेल इज़ इंग्लिश ग्लोबल, इज़ द लैंग्वेज, इज देर अ लैंग्वेज दैट डिफाइंस दैट ग्लोबल नेचर, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन. सो जो यहाँ, दिस इज़ द आई थिंक द ओनली वेबसाइट जहाँ पर बुंदेली, एटलीस्ट बुंदेली के लिए आई कैन वाउच फॉर इट कि बुंदेली भाषा में और बजिका भाषा में ऑनलाइन कॉन्टेंट अवेलेबल है. तो कहीं ना कहीं उन लैंग्वेजेस का भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है. जो इंग्लिश में स्टोरीज हैं वो कुछ खबरों का ट्रांसलेशन किया जाता है टू रीच आउट टू अ वाइडर ऑडियंस. या तो मुद्दा ऐसा है या जिसको हम चाहते हैं एक वाइडर ऑडियंस पढ़े और समझे और उसके साथ एंगेज करे, तो उस वजह से इन खबरों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है. सो इसके अलावा दिस वेबसाइट इज़ मैनेज्ड एंटायरली बाय द खबर लहरिया टीम, एंड रोहिणी इज़ हियर हु हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दीज ट्रेनिंग्स. सो इट वुड बी ग्रेट इफ शी विल ऑल्सो एट सम पॉइंट मे बी शेयर हर एक्सपीरियंस. बट एंड लक्ष्मी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वुमेन. तो द वेबसाइट इज़ एंटायरली मैनेज्ड, अपडेटेड. जो कॉन्टेंट इस पर डाला गया है उसके लिए खबर लहरिया की रिपोर्टर्स को चेन किया गया, तो वो लोग चूज़ करते हैं कि कौन सी खबरें इंटरनेट पर जाएंगी इस हफ्ते, और फिर उसको किस तरीके से आपको क्या उसमें चेंजेस करने हैं. जो फोटोग्राफ्स डाली जाती हैं वो खबर लहरिया के रिपोर्टर्स द्वारा ली गई हैं, अदरवाइज़ जो फ़ोटोज़ हैं अगेन कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं जिसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स और बातचीत खबर लहरिया में हुई है. तो दीज वुमेन आर अवेयर ऑफ द इशू ऑफ कॉपीराइट एज वेल व्हेन दे आर पुटिंग दिस वेबसाइट टुगेदर. एंड एज आई बीन, इट्स बीन पॉइंटेड आउट दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो क्विकली वन और टू थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू से. एक अगर क्विकली लक्ष्मी आप कुछ उदाहरण शेयर कर सको, एक उदाहरण कोई जिसमें आपने कुछ चैलेंज फेस किया हो इंटरनेट को एक्सेस करने में, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ मैं भी एक लास्ट पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू मेक. एंड वेबसाइट के लिए ही हमने एक खबर की थी जो कि शिवहर के जिला अस्पताल में बेड की कमी की थी. इसके लिए हमने इंटरनेट से मातृ और शिशु मृत्यु दर को ढूंढने की कोशिश की. इतना हमें परेशानी हुआ कि एक तो जानकारी होती है ज़्यादातर हमें इंग्लिश में ही मिलती है, जो कि हम जैसे पत्रकारों के लिए मुश्किल होती है, जहाँ तक कि हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग भी मिली है. तो इसे देख कर के हमें ये लगता है कि जो वहाँ के आम आदमी हैं उनको ढूंढने में कोई भी जानकारी कितनी परेशानियाँ हो सकती हैं. तो इसी से ये भी था कि इन्फेंट और मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट जैसी जानकारी की तरह और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो जर्नलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी खबरों में भी एक तरीके की ठोसता लाने के लिए. और इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई हैं. तो वन हैज़ ऑलवेज बिन द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज. अधिकतर कंटेंट इंग्लिश में है, इवन वो कंटेंट जो सरकारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है या जो स्टडी सरकार के द्वारा की गई है, जिनको लार्जर पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबल और अवेलेबल बनाने के लिए शायद कहीं पर लैंग्वेज पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उन्हें भी इंग्लिश में ही अक्सर अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे. द अदर थिंग इज़ कि ये सारी जानकारी बहुत ही जटिल होती है पहुंचने के लिए. इट्स ऑलवेज एनश्राउडेड इन सो मच, यू हैव टू कीप लुकिंग, सर्च वर्ड्स करेक्ट हो, स्पेलिंग सही लिखी गई हो, सही जगह पर आप चेक कर रहे हैं या नहीं, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है. एंड सिंस वी आर ऑल्सो शेयरिंग द पोडियम टूडे विद समबडी हु इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो इट्स जस्ट टू, वी आर ऑल्सो ट्राइंग, एंड हम लोग भी जितना इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं उतनी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है
जो एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से आपके पास इजिली अवेलेबल होनी चाहिए एंड यू नीड इट एंड यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरिंग दैट इन्फॉर्मेशन. तो कॉमन जनता के लिए वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब जर्नलिस्ट के लिए इतना मुश्किल है. तो थिंग्स लाइक पॉपुलेशन, इवन इफ़ यू हैव अ बीपीएल लिस्ट और एन इंदिरा आवास योजना लिस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस इट. एंड जस्ट वन मोर थिंग विच इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम अ रीसेंट डिवेलपमेंट कि अभी जो सरकार है उन्होंने बोला है कि and I'm still trying to believe that that's the amount, कि 1,000 crore का package to be invested in developing social media and लोगों तक पहुँचने के लिए अलग तरीके के मीडिया का इस्तेमाल करना और सरकारी processes में accountability और transparency और पारदर्शिता हो, उसके लिए ये amount sanction करने की बात हो रही है. पर अगर हर, there are about 700 if I have to round off the figure districts in India, 700 ज़िलों में अगर हर ज़िले की वेबसाइट होती है और अगर आप कोई भी रैंडमली 5 ज़िलों की वेबसाइट को भी अभी एक्सेस करें तो आपको दिखेगा कि उनमें कितनी कमियां हैं और सालों से या तो उन्हें अपडेट नहीं किया गया है, आधे से ज़्यादा लिंक्स उन पे वर्क नहीं करते. तो इन सब चीज़ों को एज जर्नलिस्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेयर व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मोर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर ग्रुप्स एंड स्पेशली वुमेन and you're talking about governance and engaging women and other groups engaging with governance systems and using technology. So the point of language, the point of availability, easy access are I think still bahut bade aur jatil mudde hain jinko hum abhi bhi we are thinking through them. Aur khabar le rahe ki experience ke through hum bas us content ko hi aur usi ko thoda saral aur spasht banane ki ek choti si koshish kar rahe hain. Thank you.